नमस्कार मित्रों जय माता दी दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के खास वीडियो में और उनसे भी हजार गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में वृश्चिक राशि वालों तूफान से भी तेज दौड़ेगी आपकी किस्मत आपके तो भाग्य ही खुल गए जी हां दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले इन 24 घंटे के अंदर ऐसा जबरदस्त परिवर्तन आप सभी के जीवन में लेकर आ रहा है जो कि आज तक आपके जीवन में नहीं हुआ होगा जी हाँ मेरे प्यारे साथियों मैं 100% परसेंट लिख कर देता हूं कि कि ऐसा चमत्कारिक बदलाव नहीं आपके जीवन में कभी हुआ होगा और ना ही आगे कभी होने वाला है जी हां आपने बिल्कुल सही सुना सोने चांदी हीरे मोती से भी तेज चमकेगी आपकी किस्मत अब आप अपने जीवन में जो चाहोगे वह सब मिलेगा जी हां आपकी जो भी मनोकामना है ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देंगे और लाकर आपके कदमों में रख देंगे दोस्तों इसी को कहते हैं किस्मत काश ऐसी किस्मत सबकी होती कहते हैं ना किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान दोस्तों जानकारी के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि अब आपके जीवन में खुशियों का दीप जलने वाला है जी हां हर घर में आपकी जीत की चर्चा होगी सब जगह आपकी तारीफ होगी इसे कहते हैं भलाई करने का नतीजा इसे कहते हैं अच्छे कर्मों का परिणाम दोस्तों मैं भगवान शनिदेव जी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि है प्रभु हे परमपिता, हे ईश्वर आप ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना इस राशि की हर एक छोटे बड़े जातकों के ऊपर ऐसे ही दिन ब दिन सभी के जीवन में तरक्की होता रहे प्रभु मेरी आपसे बस इतना ही अनुरोध है आज की संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर एवं आपके चंद्र राशि पर आधारित है वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी और तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा चलिए सबसे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके जो पर सेलेक्ट कर दीजिए और यदि आप धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो माता रानी का अनादर ना करें कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्चे हृदय भाव से माता रानी का नारा अवश्य लगाइएगा माता रानी का कृपा और आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी दोस्तों तीनों लोगों से आ गया बहुत बड़ा आदेश अगले 24 घंटे के अंदर तीन बड़ी खुशखबरी दो बड़े गुप्त खबर आपकी राशि वालों को मिलने वाला है जी हां जिसे सुनकर आप खुशी के मारे झूम उठेंगे दोस्तों अगर आप इस खुशखबरी को नहीं प्राप्त कर पाए तो इसमें आपका ही नुकसान होगा जी हां आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे दोस्तों जो खुशखबरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो गुप्त खबर हम आपको देने जा रहे हैं सुनकर आपका दिल और दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाएगा जी हां एक प्रकार से यूं कहे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा जो कि आपको किसी ने नहीं सुनाया होगा जी हां आखिरकार वह कौन सी खुशखबरी है जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग सुन्न होने वाला है और आपके पैरों तारे जमीन खिसकने वाला है तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा क्योंकि यह खुशखबरी आपके दिल की धड़कन को तेज करने वाला है जी हां अभी से ही आपके दिल में हलचल मच गई होगी लेकिन खुशखबरी सुनने के बाद आपका दिल और भी तेज धड़कने लगेगा जी हां दोस्तों आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अगले 24 घंटे के अंदर ऐसा खबर आपको मिलने वाला है दोस्तों आप बहुत ही नसीब वाले व्यक्ति हैं जो कि सही समय पर यह खबर आपको मिल रहा है सही समय पर सही चीजों का पहचान आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका नसीब बहुत ही अच्छा है दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आप पिछले कई समय से दलदल में फंसे हुए थे अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर रहे थे लेकिन अब आप उसे दलदल से बाहर निकलने वाले हैं क्योंकि भगवान अब आपको उसे दलदल से मुक्ति दिलाने वाले हैं जी हाँ दोस्तों अभी आपके मन में बहुत से सवाल चल रहे होंगे आपके मन में बहुत सारी दुविधा आपके दिमाग में घूम रहा है लेकिन अब आप चिंता मत करिए आपको उन सभी दो विधाओं से मुक्त करने वाले हैं क्योंकि यह गुप्त खबर आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे आपकी जिंदगी संवर जाएगी जी हाँ दोस्तों मजाक समझने की गलती मत करना वरना इसका अंजाम जो होगा यह तो आपको पता ही है बार बार बोलकर कोई फायदा नहीं है आप खुद ही समझदार हैं आप सब कुछ समझ गए होंगे दोस्तों किस्मत पलट गई है आपकी आने वाले अगले 24 घंटे में आपके दुश्मन जल जलकर खाक हो जाएंगे जी हां दोस्तों क्योंकि ब्रह्मा जी ने दे दिया फुल आदेश जी हां दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर जो घटनाएं आप सभी के जीवन काल में दस्तक देने वाले हैं सुनकर दुश्मनों के पसीने छूटने वाले हैं जी हां जो आज की यह वीडियो नहीं देखेगा नजरअंदाज करेगा उसे मैं लिख कर देता हूं कि वो जिंदगी भर पछताएगा क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जी हां दोस्तों पूरे ग्यारह साल बाद ब्रह्मा जी का ऐसा चमत्कार होने वाला है जो कि सभी को हिलाकर रख देने वाला है क्योंकि दोस्तों अब आने वाले लंबे समय तक ब्रह्मा जी अपना शुभ दृष्टि डालने वाले हैं जिस कारण से आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित होती दिखाई देंगी जो कि आपकी किस्मत को एक झटके में बदल देगी और इससे आपको तो आश्चर्य होगा ही साथ ही साथ आपके दुश्मन आपके शत्रु ये देख देख कर उनकी आंखों से नींद और दिल के चयन दोनों गायब हो जाएंगे जी हां मित्रों यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आने वाले अगले 24 घंटे में कैसे आपकी जिंदगी आपकी आंखों से बदलती दिखाई देने वाली है अब ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आपके कैरियर के क्षेत्र में आपके व्यापार के क्षेत्र में आपके नौकरी के क्षेत्र में आपके व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में स्वास्थ्य में अन्य सभी क्षेत्रों में कौन कौन से परिवर्तन होने वाले हैं यह सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और इसी के साथ कुछ सावधानियां भी हमने आगे वीडियो में बताई हैं, जो कि आपको जरूरत पड़ने पर यह सावधानियां बरतनी होगी और वीडियो के अंत में उपाय तो तो है ही, उपाय तो आपको लेकर ही जाना है जिससे आपकी जिंदगी बदलेगी सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी के जो भी सच्चे भक्त हैं वह वीडियो को एक लाइक अभी, अभी कर दें और जो लोग ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं वे लोग कमेंट बॉक्स में सच्चे आस्था भाव से जय ब्रह्मदेव जरूर लिखें जिससे दोस्तों आपका आने वाला समय शुभ हो तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आपके राशिफल की ओर और, और जानते हैं अगले 24 घंटे का महा राशिफल देखिए दोस्तों आपके किस्मत के सितारे बता रहे हैं और साथ ही अंतरिक्ष के ग्रह गोचर संकेत भी दे रहे हैं कि इस समय आपको तीन बड़ी खुशखबरी मिलेगी जी हाँ सबसे पहले नंबर में खुशखबरी मिलेगी आपको शेयर मार्केट या किसी चित्र फंड की तरफ से जी हाँ यह बहुत ही तगड़ा खुशखबरी है बहुत ही धमाकेदार खुशखबरी है अगर आपने किसी भी शेयर मार्केट में या किसी अन्य चीज में ही कुछ दिन पहले निवेश किया था तो यह खुशखबरी वहां से आपको मिलेगी और दूसरी जो खुशखबरी मिलेगी वह है आपके परिवार में किसी को भी मिलने वाला है जी हाँ आपकी फैमिली में आपके परिवार में किसी को भी यह खुशखबरी मिल सकता है यह खुशखबरी सबको चौंकाने वाली है या तो आपके घर में ही कोई नन्हे मेहमान आ सकता है या फिर आप अपने घर कोई अन्य नई वस्तु खरीद कर ला सकते हैं जिससे आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा लोग इस समय आपसे सलाह मशवरा करने आ सकते हैं अगर कोई आपसे सलाह मांगे तो आज आप सलाह बहुत ही सोच समझ कर दें और ध्यान रखिएगा बिना मांगे आज आप किसी को भी सलाह ना दें नहीं तो दिक्कत होगा क्योंकि लोग वैसे ही आपसे जल रहे हैं अगर आपके किसी को भी थोड़ा सा भी परेशानी हुआ तो इसका सारा भारो भार आपके ऊपर आ सकता है वैसे तो दोस्तों आपके दुश्मन आने वाले अगले 24 घंटे में दुश्मन जल जल कर खाक हो जाएंगे जी हां क्योंकि दोस्तों जिस कार्यों की उम्मीद आपने छोड़ चुकी थी आपको ऐसा लग रहा था कि वह कार्य अब संपन्न नहीं होगा आप अपनी तरफ से हार मान चुके थे तो आने वाले अगले 24 घंटे में आपका वो कार्य संपन्न होने वाला है जी हां और बिजनेस करने वाले जातकों को कई गुना ज्यादा उछाल देखने को मिलेंगे उन्हें अपने बिजनेस में तेजी से लाभ देखने को मिलेगा जिससे व्यापारियों का मन रहेगा दोस्तों आज आपकी किस्मत चमकेगी भाग्य पलटेगा क्योंकि आज आपको किस्मत और भाग्य दोनों का साथ मिलेगा जी हां आज आपकी कैरियर में सुधार होगा और छोटी मोटी जो परेशानियां थी कैरियर में वह दूर होंगी किसी कंपनी में आज आप ज्वाइन कर सकते हैं जॉब को लेकर साथ ही साथ आज आपको नई जॉब लगने की संभावना बन रही है और जो लोग पहले से कोई नौकरी में हैं वह अगर अपनी नौकरी में कोई बदलाव करना चाहती हैं या स्थान परिवर्तन को लेकर कोई विचार आपके मन में बहुत दिनों से था तो आपका वो सपना पूरा हो सकता है और जो लोग पहले से कोई नौकरी में है वह अपने कामों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें बॉस आज आपकी काम को बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि बॉस की नजरें आपकी काम पर ही हैं। इसलिए जितनी मेहनत से काम करेगी जितनी आप ईमानदारी से काम करेंगे आपको उतनी प्रमोशन मिल सकती है पहले से अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ था तो वह कार्य पूरा हो सकता है फंसा हुआ धन आजा खुल सकता है आज आपको अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर आकर कुछ गंभीर प्रयास करने हैं सावधान रहें कि बिल्कुल परंपराओं के अनुसार चलने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा गंभीर होकर प्रयास करने से ही आपको बहाव के साथ बहते रहने के स्थान पर जीवन जीने की सही भावना आएगी यह इस समय आपको मुश्किल जरूर लगेगा लेकिन अगर एक बार आप यह कर गए तो आपका जीवन आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिकतर लापरवाह ही रहते हैं लेकिन आज आप असामान्य रूप से अपने स्वास्थ्य और फिटनेस कार्यक्रम में रुचि लेंगे आप कोई शारीरिक गतिविधि वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं आप अपने खाने में भी बदलाव लाएंगे आप 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 अधिक स्वास्थ्यकर विकल्प चुनेंगे। अब से आप काम या पार्टी जो भी करें, आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखने के मूड में हैं। अब आपका दिमाग पहले से अधिक शांत है और आप एक बार नए सिरे से उस गुलाब के रंग के चश्मे वाली लड्डचकी को ढूंढने के लिए तैयार हैं अब की बार आपको अनिश्चितता की उस भावना से बचना है जो हर बार आकर आपके जोश को ठंडा कर देती है प्यार के हरियाले बाग में आराम से चलें। अब की बार आप निराश नहीं होंगे और प्यार के इस आशियाने में खुशी से रह पाएंगे आज आप एक आमंत्रक की भूमिका में रहेंगे इसलिए एक मेजबान की जगह एक आयोजक की भूमिका में रहे आप दोनों ही मामलों में अच्छी राशि पाएंगे परंतु एक आयोजक की भूमिका लाभप्रद होगी यह आपकी जन्मजात क्षमताओं में से एक है सिर्फ आप उसकी पहचान नहीं कर पाए थे आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा और बहुत से लोग आपको आपकी दयनीय स्थिति से निकालने के लिए हाथ बढ़ाएंगे लेकिन आप इस स्थिति में किसी और की गलती की वजह से फंसे हैं अब की बार ऐसे लोगों से सावधान रहें आज आपको अपनी जीत का जश्न मनाना चाहिए इस समय आपको अपने मन की बात सुननी चाहिए आप पिछले कई दिनों से इसे नजरअंदाज करते आ रहे हैं कि आपका दिमाग आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई आपको वहमी न समझ ले। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलें तो पाएंगे कि यह असंभव नहीं है आप यह तो हमेशा से जानते हैं कि आपको करना क्या है आज यह पक्का हो जाएगा कि आप यह अपने दम पर आराम से कर सकते हैं जैसे ही आप अपना पहला निर्णयात्मक कदम उठाएंगे आपका सारा मानसिक तनाव हो जाएगा आप जैसा रोमांटिक पार्टनर चाहते थे आपकी उस इच्छा में अब कुछ बदलाव आ गया है ऐसा आपको लगेगा आप अभी बनावटी सा रोमांस कर रहे हैं लेकिन अब आप इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देंगे और रोमांस में अपने हम सफर को तलाश करने की कोशिश करेंगे इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि अच्छे हम सफर इतनी आसानी से नहीं मिलते लेकिन आप इन सब चुनौतियों के लिए भावनात्मक रूप से तैयार हैं आज का दिन नौकरी से संबंधित कार्यों के लिए काफी अनुकूल है आपने हमेशा से ईमानदारी और मेहनत के साथ कार्य किया है और अतीत में हालांकि आपको उतना फल नहीं मिला लेकिन अब भाग्य आपके लिए स्थितियां अनुकूल करेगा आपकी काफी सारी परियोजनाएं सफलता के साथ फलित होंगी और आज का दिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अपने से नीचे कार्य पद पर तैनात सहकर्मियों से प्रशंसा पाने का समय है आपका झुकाव आज कुछ हद तक आध्यात्मिकता की ओर रहेगा आप किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं या किसी तीर्थ की यात्रा कर सकते हैं प्रेरणात्मक साहित्य पर हैं या किसी महान नायक की जीवनी पर हैं हो सकता है कि इसमें से आपको अपने जीवन के लिए कुछ बहुत अच्छा हासिल हो जाए किसी गंभीर या कड़वी स्थिति से बचने की कोशिश करना ही बेहतर रहेगा इसके स्थान पर दिमाग को शांत रखकर दिन बिताएं तो राहत महसूस होगी आपको आज अपने ऑफिस के काम के कारण बिना बात की चिंता और तनाव रहेगा आपको यह समझने की जरूरत है कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते ऐसा करने की कोशिश से आप व्यर्थ का तनाव ही मोल लेंगे जिससे आपकी सेहत प्रभावित होगी इन सब चीजों के स्थान पर आपको काम से छुट्टी लेकर आराम करने की जरूरत है जिससे आपकी ऊर्जा बनी रहे आपको अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कुछ राहत पहुंचाने वाले व्यायाम करने चाहिए आपको कोई ऐसी सूचना मिलेगी जिससे आपको अपने पार्टनर के बारे में जानने में मदद मिलेगी इससे आपका संबंध बेहतर होगा पिछले कुछ दिनों से आपका पार्टनर उलझाने वाले और वहम में डालने वाले संकेत दे रहा है लेकिन आज आप उनके इस व्यवहार का कारण समझ पाएंगे इससे आपको भविष्य में अपने इस संबंध का रास्ता तय करने संबंधी फैसला लेने में मदद मिलेगी आज आपका भाग्य सट्टा उद्यम एवं उससे जुड़ी चीजों में आपका साथ देगा अगर आप किसी दुविधा में हैं तो आज का दिन आपको तर्क शक्ति प्रदान करेगा जिससे आप उचित निर्णय ले पाओगे मेहनत से काम करें और जमकर आनंद उठाएं। आज आप पूरे दिन इसी सिद्धांत पर चलेंगे और यह उपयुक्त भी है दिन की शुरुआत सामान्य होगी लेकिन अंत दोस्तों और परिवार के साथ जश्न से होगा आपकी लोगों को हंसाने की क्षमता और खुश मिजाज स्वभाव बद्दी पार्टी की मेजबानी के लिए भी उपयुक्त है आपके लिए अब स्वास्थ्य संबंधी मसले बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने मन को अपने लिए सर्वोत्तम फिटनेस कार्यक्रम निश्चित करने दें आपके पास अपने सभी मनपसंद व्यंजन खाने के कई मौके आएंगे लेकिन अब अपने खाने को लेकर काफी सावधान रहें नहीं तो खाने का आनंद लेने के स्थान पर आप पाचन तंत्र से जुड़ी तकलीफों को भी न्योता दे सकते हैं आप अपने पार्टनर के साथ बेहतर समझ बनाने के बारे में खुद से सवाल कर सकते हैं आप इसी समय किसी और से भी प्रभावित हैं लेकिन यह केवल यह एक क्षणिक आकर्षण है आपका पार्टनर बहुत अच्छा है और आपको इन्हीं के साथ रहना है अपने पार्टनर के साथ अधिक समय बिताएं इससे आप शांत रह पाएंगे आपको आज आपके कार्य क्षेत्र में एक मूल्यवान सुझाव किसी निकट व्यक्ति जो आपके हृदय के पास हो से मिल सकता है अगर आप उसकी बात को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आगे जाकर आपके भविष्य में अनुकूल प्रभाव पर डी डी एच सकता है आपको उड्डीडी हुई धुंध को हटाना है और गंभीरता से भले और बुरे के बारे में सोचना है कि किस दिशा में आपका नौकरी या कार्य क्षेत्र जा रहा है विवेक पूर्ण तरीके से अपने कार्य क्षेत्र के बारे में सोचना समय की प्राथमिकता है आपके अफसर आपसे पुरानी रंजिश निकालने के लिए आपके काम में देर कर सकते हैं आप इसके कारण बहुत चिंता करेंगे क्योंकि इससे न केवल आपकी वर्तमान स्थिति बल्कि आगे आने वाली योजनाएं भी प्रभावित होंगी इस समय अपनी घरेलू खुशियों के कारण खुश रहें, क्योंकि इससे आपको नया उत्साह मिलेगा आज आपके पार्टनर काफी तनाव में होंगे और उन्हें संभालने के लिए आपको अपनी सारी समझ और सारी सहानुभूति काम में लानी होगी वह अपनी निराशा आप पर निकाल सकते हैं अगर आप भी आप पर भावनात्मक होकर ही रिएक्ट करेंगे तो स्थिति बिगड़ दीच सकती है आपको अपने पार्टनर को संभालने के लिए कुछ समय तक अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा आज आप एक लापरवाह और असाधारण अवस्था में रहेंगे आज के दिन आप किसी पार्टी के आयोजन में आनंद लेंगे और आसपास के व्यक्तियों को प्रभावित भी करेंगे आज आप ये नहीं सोचेंगे कि धन कहां से आ जा रहा है जिसकी वजह से आपके वित्त पर एक नकारात्मक असर पड़ने की संभावना है हालांकि आपकी लापरवाही के बावजूद आपका वित्तीय स्वास्थ्य सही रहेगा आज आपके व्यवहार में स्वस्थ होने खाछुशी और बेहतर सेहत की ख़ुशी अलग ही दिखेगी आप आज दान करने के मूड में रहेंगे और अपनी खुशी सबके साथ बांटने के लिए भी तैयार रहेंगे इससे आप सबके बीच लोकप्रिय हो जाएंगे आपका खुश मिजाज होना मानसिक ताकत हंसी मजाक वाला स्वभाव और आपका स्वास्थ्य कुछ ऐसी चीजें हैं आज परिवार के साथ कोई कार्यक्रम बनाए आप पिछले समय में अपनी व्यस्तता का अचलते परिवार को बहुत कम समय दे पाए हैं अब समय आ गया है कि आप अपनी उस कमी को दूर कर लें। चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, आपको परिवार के साथ पिकनिक आदि की योजना बनानी चाहिए बहुत मजा आएगा घुड़सवारी सवारी या तैराकी आदि की योजना भी बना सकते हैं इस मजेदार समय में प्रकृति के नजारों का आनंद लेना न भूलें आज के दिन विद्यार्थियों युवा बेरोजगारों और स्वनियोजित व्यवसायियों के लिए काफी करियर अवसर आएंगे आप एक ऐसी परियोजना के भागीदार बन सकते हैं जिससे आपके करियर की दिशा परिवर्तित हो सकती है और काफी समय से आपको इसकी तलाश भी थी आपको इस अवसर का उपयोग काफी समझ के साथ करना है क्योंकि यह अवसर जीवन भर में यदा कदा ही मिलता है और यह काफी महत्वपूर्ण भी है आपके पूरे करियर की दिशा इस अवसर से परिवर्तित हो सकती है यह परियोजना विदेश से संबंधित हो सकती है आपको खुद पर बहुत यकीन है लेकिन अति आत्मविश्वास और अधिकार जताने की प्रवृत्ति से बचें दूसरों पर अपनी राय थोपने की आदत से आज आपको नुकसान उठाना पड़े डीएच सकता है केवल सही होना ही काफी नहीं है आपको इसका अभी ध्यान रखना होगा कि आप दूसरों को नाराज ना करें थोड़ा नरम रवैया अपनाएंगे तो काफी लंबित कामों को आज पूरा कर पाएंगे सेहत और स्वास्थ्य केवल शरीर की ही अवस्था नहीं है बल्कि इसका संबंध मन से भी है इस बात को समझने के लिए आज का दिन बहुत उपयुक्त है आज आपको चाहिए कि अपने मन में जमा हुआ सब अतिरिक्त कबाड साफ कर दें और खुद को शांति से समझकर देखें न संभव को प्राप्त करने का प्रयत्न न करें इसके स्थान पर जो आपके पास है उसका आनंद लें आप पाएंगे कि आपको वो संतुष्टि मिल गई है जिसे आप पाना चाह रहे थे बाहर जाए और अपने प्रिय के साथ कुछ साहसिक करने की योजना बनाएं। आप जो कुछ भी करेंगे आपको बहुत मजा आएगा इससे आप और आपके पार्टनर के बीच चल रहे तनाव में कुछ कमी आने की उम्मीद है आपको अपने नए अनुभवों और भावनाओं को अपने पार्टनर के साथ बांटना अच्छा लगेगा आज आप आत्मविश्वास और सकारात्मक रहेंगे आज किसी भी साक्षात्कार या ग्राहक के साथ किसी भी सौदे को तय करने के लिए एक अच्छा दिन है आपको आज एक अच्छा लाभ मिल सकता है आप दिन के उत्तरार्ध में किसी कार्य को लेकर कुछ अटक सकते हैं कल के लिए मनोरंजन या मनोरंजन के लिए अपनी योजनाओं को स्थगित करें एवं अपने सहयोगी से आज मदद ले आज आप आवेगी मूड में हैं। किसी भी काम के बारे में भली प्रकार सोचे बिना ही करने पड़ देंगे जिसके कारण आपको कार्यस्थल पर और पारिवारिक जीवन में भी दिक्कतें आ सकती हैं हालांकि इस समय ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मन को शांत रखें आपके सामने कई अवसर एक साथ आएंगे आपको सोच समझ कर उनमें से चुनना है बिजनेस में दोपहर बाद परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल हो सकती हैं कुछ विघ्न बाधाएं आएंगी अपनी मेहनत से काफी हद तक स्थिति सामान्य कर लेंगे सरकारी सेवारत लोग गैरकानूनी कार्यों से दूर रहे जीवन साथी तथा परिवारजनों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी किसी विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात पुरानी यादें ताजा करेगी पॉजिटिव आज आपकी कोई योजना या सपना साकार होने वाला है जिससे आप उमंग और जोश महसूस करेंगे कोई पॉलिसी आदि मैच्योर होने से निवेश संबंधी कुछ योजनाएं बनेगी बुजुर्गों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से घर में सुख शांति का माहौल रहेगा आर्थिक समस्याएं रहेंगी तनाव लेने के बजाय उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करें रिश्तों को कायम रखने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत है इसलिए छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर दें आज कहीं भी आवाजाही से परहेज करें बिजनेस में महत्वपूर्ण फैसले तुरंत लें बिजनेस संबंधी महत्वपूर्ण काम दिन की शुरुआत में ही निपटाने की कोशिश करें दोपहर बाद परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव आएगा सरकारी नौकरी में कुछ तनाव जनित स्थितियां रहेंगी दांपत्य संबंधों में आपसी प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा किसी विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात पुरानी यादें ताजा करेगी स्वास्थ्य अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें कुछ न कुछ आयुर्वेदिक अथवा देसी चीजों का सेवन करते रहें। किसी पॉलिसी या प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना है तो आज उससे संबंधित निर्णय लेने का उत्तम समय है घर के बुजुर्गों का स्नेह अब आशीर्वाद बना रहेगा आज इस बात की संभावना है कि आपसे संपर्क नहीं हो पाएगा आज का दिन नए या पुराने संबंधों के लिहाज से भी अच्छा नहीं है संबंधों की बजाय आप खुद का विश्लेषण करने में ही व्यस्त रहेंगे जिससे लोग यह समझ सकते हैं कि आप नहीं चाहते कोई भी आपको डिस्टर्ब करे फिर भी आप किसी पुराने दोस्त से फोन पर बातें कर सकते हैं या आपका पहले का कोई करीबी आपसे मिलने आ सकता है आज के दिन आपको अपनी आर्थिक समस्याओं से निजात पाने के लिए एक व्यवहार्य समाधान मिल सकता है और उसे लागू करने के लिए उचित दिशा में आप पहला कदम उठाएंगे पिछले कुछ समय से धन की समस्याओं ने आपकी नाक में दम किया हुए था परंतु अब आप काफी हद तक इस पर काबू पा पाएंगे हालांकि ये कदम कुछ मुश्किल हो सकता है परंतु अंत में आप सही निर्णय लेंगे जो कि काफी हद तक आपकी आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएगा और आप आर्थिक समस्या से बाहर आ पाएंगे आपके सामने नए अवसर प्रस्तुत होने वाले हैं आप आज तक अपनी जिस प्रतिभा को केवल हॉबी मानते आए थे उससे अपनी आजीविका कमा सकते हैं जीवन के हर क्षेत्र में नए बदलाव होंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदलकर रख देंगे आप अपने जीवन से संतुष्ट अनुभव करेंगे अब समय आ गया है कि आपको अपनी धड़कन रक्तचाप और शुगर का स्तर जांचने के लिए एक मेडिकल उपकरण खरीद कर अपने साथ रखना होगा आपको ऊपर लिखी सब चीजों का निरंतर ध्यान रखना होगा इससे आपको अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखने और एक संतुलित स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए जो जो प्रयास किए हैं उनका प्रभाव जांचने में भी मदद मिलेगी प्यार रिश्ते और परिवार अब आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे आज आप अपने बच्चों के साथ कुछ गुणवत्ता समय बिताएंगे आपको यह याद दिलाया जाएगा या एहसास होगा कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है और जिसकी वजह से आप निर्णायक कदम लेंगे जिसने काफी समय से आपको परेशान किए हुए था अपने परिवार के साथ गुणवत्ता समय बिताने के कारण तनाव घटाने में भी आपको मदद मिलेगी जो आपके मन मस्तिष्क पर हावी था आज के दिन आपको एक अप्रत्याशित रूप से उपहार आपके दिल के निकट के व्यक्ति से मिल सकता है आज का दिन आपके लिए काफी उत्तम रहेगा आपके सहकर्मी और आपसे उच्च पद पर तैनात सहकर्मी आपसे खुश रहेंगे तथा आपसे पूरा सहयोग एवं सहायता करेंगे जिसकी वजह से आप अपना काम समय पर पूरा कर पाएंगे तथा सान्यकालीन बेला में आप किसी समारोह का भी आयोजन कर सकते हैं अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने में हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं लेकिन याद रखें पत्नी और बच्चों की आंख में आँसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं और जिस घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है घर परिवार के सभी सदस्य खुश रहते हैं उनके घर में देवी देवताओं का भी वास होता है धन्यवाद दिन आपका शुभ हो मंगलमय हो